नमस्कार दोस्तों, रीडर बुक जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। इस पुस्तक को अभी सुने और पैसे के मनोविज्ञान को सीखें और अबंडेंस को आकर्षित करें। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर जीवन ही जीते रहते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या न माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे के मनोविज्ञान को समझा जाए और जल्दी से जल्दी फायदा लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउजल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई विषय पर एक ताजा नजरिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब फोकस करती है ऐसी चीज पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें जाएं या एक पोर्टफोलियो बनाए जाए आदि। हाउसेल लोगों और पैसा के बीच की रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबाते हैं, आपको ब्याज दर जानने की जरूरत नहीं है। आपको लालच को, सुरक्षा असुरक्षा को और सकारात्मकता को पढ़ने की जरूरत है। यहां इस समरी को क्यों सुने, मुझे कहना होगा। इस तरह के एक व्यावहारिक सवाल पूछने के लिए आपको बधाई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किताबों को पूरी तरह से पसंद करता है, मुझे उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना, नोट्स लेना, उनकी शिक्षाओं के साथ प्रयोग करना और फिर उन पाठों को समराइज करना पसंद है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज्यादा इस बात से लेना देना है कि किस तरह आप व्यवहार करते हैं। सही चीजों में इंगेज करें और चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह से आप में कितनी भी बुद्धिमत्ता, समझ या अंदर की खबर हो, ये आपको गलत व्यवहार से उपजे परिणाम से नहीं बचा सकता है। किताब का हर अध्याय एक इंसान को पैसे के प्रति व्यवहार और रवैया को दर्शाता है। कुछ व्यवहार अच्छे नतीजे की गारंटी देते हैं, जबकि दूसरे व्यवहार विफलता के। तो चलिए फिर इस किताब के 12 महत्वपूर्ण पाठों को डिटेल में समझते हैं। पाठ एक, कोई पागल नहीं है। हर एक की एक अलग सोच होती है कि किस तरह यह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालात, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना 0.1% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाएं। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं। ये नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पाठ दो, भाग्य और जोखिम कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल डूगल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वही करियर में सक्सेस मिलती। गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड में तीन बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवंस। केंट इवंस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो वास्तविकता है जो हर एक की जिंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती है। ये दोनों चीजें होती हैं।
क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खास प्रभाव पड़ सकता है। पाठ 3, कभी पर्याप्त नहीं। ये एक कहानी है लेखक कर्ट वॉनिगट और जोसेफ हेलर की, जो एक अरबपति के पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने लोकप्रिय उपन्यास से आज तक नहीं कमा पाया है। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, वो है काफी। जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरे से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको इसे सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। काफी होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कई चीजें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो। एक छोटी सी लिस्ट, जैसे प्रतिष्ठा, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही नहीं बने। पाठ 4, उलझा। कंपाउंडिंग वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक साधारण सा तथ्य है। वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं है, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबा समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और लंबे समय तक में दोहरा सके। और यहां पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीजें हैं और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने, आशावादी होने और अपने आप को वहां रखने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है और यह भय होता है कि आपने जो बनाया है वह आपसे उतनी ही तेजी से छीना जा सकता है। पाठ 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीतियां चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरी होती है ठीक इसके उल्टे की। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोरिट्स, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक, फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं। इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और गेम में लंबे समय तक बने रह सकें, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। 2, प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितना आपको अपने प्लान को सफल बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत होगी, उतना कमजोर आपका प्लान होगा। 3, आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें, पर सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। पाठ 6, टेल्स, आप जीत गए। ये एक आर्ट कलेक्टर हाइंस बेरग्रुन की कहानी है। उन्होंने पिकासोस, ब्राकेस, क्लीस और मटीसिस की एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा की। लोग उसके कला में निवेश करने की कला से भौचक्के रह जाते हैं। सच्चाई ये थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में कला खरीद ली थी। उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। बर्ग्रुन कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिरी में वो सही निकलता था। कोई भी चीज जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाजा लगा रहे होते हैं, कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का।
अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं। कुछ ही ठीक ठाक कर पाती है और कुछ होती है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, टूटेगी, फेल भी होगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। पार्ट 7, वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउसल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच है। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं, वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो रिच है। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको जरूरत है। पार्ट 8, पैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं, दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं, तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं इसके बारे में चिंता न करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। पाठ 9, उचित, तर्कसंगत और त्रुटि की गुंजाइश। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय बिल्कुल ठंडा होकर न रहे, उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसा बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सेगन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कहते हैं, चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती है। ब्लैक जैक और पोकर के प्लेयर्स को पता होता है कि वो संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, निश्चितों के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीजों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती हो। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से चलती है, ना कि निश्चितताओं से। ऐसी चीज के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें, फेलियर के इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और जरूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग्स के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है उन चीजों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पार्ट 10, आप बदल जाएंगे। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की जरूरतें चाहते वो नहीं होती है जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की जरूरतें और चाहते होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान बदलाव होने के लिए ही बना है? आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 साल में उसका कोई मतलब ही नहीं रहे। डूबा हुआ लागत बीते हुए कल के बुरे फैसले को आगे बढ़ाते जाना, जिसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी जिंदगी के बड़े फैसले लेता है। जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए, अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया वो डूबा हुआ लागत है। जरूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ जुड़ी कई चीजों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना। सफल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट नहीं होती। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। ये सारी चीजों को अनदेखा करना आसान है जब तक कि हम असली में इन्हें फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोग में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है,
अगर मैं अपना 20% पैसा गवा देता भी हूँ तब भी मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं तो चीजें अलग दिखती है। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। पाठ 11, निराशावाद का प्रलोभन। नेगेटिव सोच सिर्फ सकारात्मक सोच से ज्यादा आम नहीं है, ये उससे ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पे बंदी बना लेती है और हम इस पर सकारात्मकता से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो आपसे वो दूर निकल लेंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है और आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डेनियल कनहेमन कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता का एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनिजम्स खतरों को अवसरों से ज्यादा जरूरी मानकर काम करते हैं, उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने के मौके ज्यादा बनते हैं। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास तरह से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं को नए समाधान के साथ जवाब देते हैं, खतरों के साथ समान परिमाण के समाधान भी आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये एक कॉमन प्लॉट है जिसे अक्सर नकारात्मक विचारक द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। रातों रात बहुत सारी संधियां होती हैं लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रक्शन होते हैं फेलियर के सिंगल पॉइंट, जो कि कुछ सेकेंड्स में हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लूज होना वो भी एक झटके में हो जाता है। पाठ 12, कबूलनामा। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउसेल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है, स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपने 20% असेट्स कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह के रोक टोक ना किया जाए। हाउसेल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउसेल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं, यह बहुत मुश्किल है और जो ज्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो रणनीति चुननी चाहिए जिसके लक्ष्य पाने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देकर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप किताब के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल इंसाइट्स प्रदान करता है कि लोग पैसे और साइकोलॉजिकल बायसेस के बारे में कैसे सोचते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। उनका तर्क है कि सफल इन्वेस्टिंग केवल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने या सही उपकरणों तक पहुंच के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को महारत हासिल करने के बारे में भी है। हाउसेल की लेखन शैली आकर्षक है और वह अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए एनेक्डोट्स और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वह इंपल्सिव निर्णयों से बचने, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विकसित करने और फाइनेंशियल सफलता में भाग्य की भूमिका को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। किताब की एक ताकत यह है कि यह अच्छी आदतें विकसित करने के महत्व और निवेश के लिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच पर जोर देती है। हाउसेल का तर्क है कि जो लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में सफल होते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास उच्च IQ या अंदरूनी जानकारी तक पहुंच हो। इसके बजाय वे साउंड प्रिंसिपल्स और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ के आधार पर निवेश करने के लिए एक अनुशासित और धैर्यवान दृष्टिकोण रखते हैं। कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन्वेस्टिंग के मनोविज्ञान और बेहतर फाइनेंशियल निर्णय लेने के तरीके के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के समरी सुनने से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस बुक समरी से क्या सीखा वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर हर तरह की बुक समरी सुनने को मिल जाएगी। धन्यवाद।